हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो मैं आई हूं अभी गुवाहाटी, और गुवाहाटी जो कि मेरा होम टाउन है, और मैं आज आई हूं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो दिखाती हूं आपको मैं कहां आई हूं। ये रहा ब्रह्मपुत्र घाट गाइस, देखिए आप लोग, वो रहा फेरी, और मैं जा रही हूँ उमानंद मंदिर जो कि नदी के बीचों बीच है। और कहते हैं कि कहीं भी अगर शक्तिपीठ होती है, जैसे कि यहाँ पे माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है, और वहाँ महादेव जरूर विराजमान करते हैं। तो कहा जाता है कि नीलाचल पहाड़ पे माँ कामाख्या विराजमान है, और बगल में ब्रह्मपुत्र घाट है, तो ठीक बीचों बीच घाट के महादेव भी विराजमान है उमानंद के नाम से। तो आज हम सभी उमानंद मंदिर के दर्शन करेंगे, और उसके बाद जाऊंगी मैं नदी के उस पार जिसको नॉर्थ घाटी बोला जाता है, और मैं रहती हूँ घाटी में, और नॉर्थ घाटी में मैं जाऊंगी घूमने। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, देखो आप सब नदी, और मेरी फैमिली भी साथ में है, आप सब देखिए। ये लोग कंफ्यूजन में है कि कौन सा नाव पे जाना है, बड़े वाले में छोटे वाले पे। हाय मॉम। हाय, कैसा लग रहा है आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है तुम। अभी कहाँ जाना है? उमानंद मंदिर? हाँ, उमानंद नहीं जाऊंगी, नॉर्थ घाटी जाना है पहले। नॉर्थ घाटी जाना है, दोल गोविंदो मंदिर। दोल गोविंदो मंदिर जो की नॉर्थ घाटी में भी है, दोल गोविंदो मंदिर। गाइस, और मेरी बहन है प्रियंका चोपड़ा, हो ना? आओ आओ आओ, हेलो गाइस, सो हेलो बोलो। हेलो गाइस, कैसी हो? ये थोड़ा सा शाही है, कोई बात नहीं। और मेरी चाची भी आई हुई है। हाय हाय चाची, हाय हाय। और मेरा भाई गुड्डू, हाय। हाँ, नाव में बात नहीं क्या? मैं जाने वाली हूँ उस फेरी में, और आप सब भी आइए गुवाहाटी, घूमिए, एंजॉय कीजिए। ओए क्या हुआ, टिकट्स वगैरह मिली? टिकट्स अभी मिलने वाली है, तो तुम्हें मिलाना ही मिल गई। हाय ऑल टाइम। ये कि आप गुवाहाटी में अगर आए हो तो यहाँ पे घूमने आए हो कि नहीं, कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा लगता है। और बहुत ही प्यारा मौसम है गाइस आज यहाँ का, गुवाहाटी का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल धीमे धीमे सनलाइट पड़ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र घाट, और वो जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं गाइस, नीलाचल पहाड़, वहाँ पे माँ कामाख्या का मंदिर है। फेरी वो चल पड़ी है, और आप सब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और वो रहा उमानंद मंदिर। मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी गाइस, आप सब भी देखिए, और एक बार महादेव के नाम से हर हर महादेव जरूर बोलिए। आप सब देख सकते हैं कि उस पार नॉर्थ घाटी है, और ये उमानंद मंदिर है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नॉर्थ घाटी में, और उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ पे जाके क्या कर रही हूँ। आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ। ब्रह्मपुत्र घाट पे, और एज यू कैन सी गाइस, आप देख सकते हो मैं बहुत ही करीब पहुंच चुकी हूँ अभी उमानंद मंदिर के। वो देखिए उमानंद मंदिर है, हाँ,
ये उमानंद मंदिर है और ये है गाइस नदी के उस पार की, ये भी एक शहर है छोटा सा नोट क्वाटी, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है दोल गोविंदो एंड इस्कॉन टेंपल भी यहाँ पे है। तो शायद मैं आज इतनी दूर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है और मैं सिर्फ दोल गोविंदो के ही दर्शन कर पाऊँगी जो कि श्री कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है। सो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, आप सब भी आइए घूमिए और देखिए फेरी में कितनी भीड़ है, सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, किसी के घर है। और नॉर्थ घाटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घाटी आते हैं अपनी नौकरी के लिए, जो 9 to 5 जॉब करते हैं एंड देन वापस अपने घर को जाते हैं इस फेरी के थ्रू। आप सब देख रहे हो कि इसी फेरी के थ्रू हम आना जाना करते हैं। और गाइस यहाँ पे उमानंद मंदिर के ऊपर एक रोप वे बनाया गया है और ये बहुत ही अभी शायद हो गया 1-1.5 साल, रोप वे के थ्रू भी हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। बट मैं वहाँ पे गई हूँ इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं फेरी से आऊँ और अच्छा लगा। और मैं अभी स्टिल राइडिंग पे हूँ और आप सब देखिए मैं थोड़ी देर में नॉर्थ घाटी पहुँचूँगी और मंदिर जाते ही आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। स्टे ट्यून्ड गाइस, मेरे साथ जुड़ी रहिए। हेलो हेय, क्या हुआ? हवा से बाल पूरा उड़ गया। नहीं गाइस यहाँ पे देखिए मेरी मम्मा का हेयर। हाय प्रियंका, तो एकदम चुपचाप कब पहुँची, भूख लगा है? भूख लगी है आपको? नहीं ओ कोई बात नहीं गाइस, हम लोग पहुँचने वाले हैं अब थोड़ी देर में, जस्ट 1 मिनट में। देखिए अभी हम लोग पहुँच गए नदी के उस पार और वो रही हमारी क्वाटर सिटी जहाँ मैं रहती हूँ, देख सकते हो आप। हाय और हम लोग पहुँच गए हैं और बहुत ही धीमे धीमे रफ्तार से हमारी फेरी जो आगे बढ़ रही है, मेरा भाई वेट करते हुए कि कब हम पहुँचे और कब दर्शन करें। गाइस ये देखिए गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी, और जो नॉर्थ घाटी के लोग हैं वो भी घाटी घूमने के लिए आएंगे अभी, शायद वो लोग उस पार जाने के लिए वेट कर रहे हैं, शायद यही वाली वापस जाएगी। देखिए छोटा सा हम लोग पहुंच गए नदी किनारे। गाइस मंदिर जाने जाके मैं आपको मंदिर का सारा सीन दिखाती हूँ। देखिए गाइस मेरी मम्मी जो कि उतर गई है अभी। कैसा लगा फेरी गाइड करके? अच्छा लगा, भूख लगी है? दर्शन के बाद कुछ खाएंगे है ना? ओके ओके दर्शन करने जा रही हूँ। गाइस मेरी बहन वो देखिए वो बहुत टायर्ड हो चुकी है, अभी तो दर्शन हुई नहीं है लेकिन वो आगे चली गई। ओए क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। गाइस ये रहा दोल गोविंदो मंदिर, श्री श्री दोल गोविंदो मंदिर, और मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, आप सब भी देखिए। महाप्रभु श्री श्री दोल गोविंदो मंदिर, ये SMS लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइस। और हम मैं अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करूँगी गाइस, और हमने दर्शन कर लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लोर पे पूरा का पूरा रंग अभी भी बिखरा हुआ है और सभी लोगों ने, जैसे कहते हैं ना जिसकी वृंदावन में जैसे होली खेला जाता है यहाँ पर भी वैसे ही होली खेला गया है। सो देख रहे थे फर्श पर पूरा रंग ही रंग अभीर ही अभीर पड़ी हुई है। और मैंने पंडित जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे आज जो है आज तक होली का महोत्सव मनाया गया, और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल पे कृष्ण जी का और महाभारत में
जो लड़ाई के वक्त कृष्ण जी और अर्जुन जी ने जो दृश्य है वो सब यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है। ये देखिए कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर पेंटिंग है वॉल्स पे, आप सब देख सकते हो। यशोदा माँ अब कृष्ण जी को डांटते हुए वो पेंटिंग बनी हुई है। और ये है देखिए गाइस, यहाँ पे कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे सजाया गया है। वाओ, गाइस क्या आपसे बता सकते हैं कि ये क्या है? ये है केले का पेड़ और ये लगी है केला और ये लगा केला का फूल। कहते हैं कि ये एक केला का फूल है जिसकी हम सब्ज़ी बना के खाते हैं। कमेंट पे बताइए कि आप सब ने ये सब्ज़ी खाया है या नहीं। ये हम लोग के असम साइड बहुत मिलती है, देख सकते हो ये। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से होली मनाया जा रहा है अभी भी। और आज नॉर्थ गुवाहाटी में 5 दिन मेला लगती है और आज लास्ट डे है, तो ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में इस कल्चर है और सब अपने अपने घरों के द्वार पे रंगोली क्रिएट किए हैं। गाइस देखिए, ये देखिए गाइस, क्या बात है। पटाखे की तैयारी हो रही है, अभी पूरी बैंड बजा के साथ ये लोग रैली निकाल रहे हैं अभी। करके निकल चुके हैं अभी ये राम मंदिर। और यहाँ पे 5 दिनों से जो मेला लगा हुआ था वो आज ख़त्म हो रही है और आए हम लोग कुछ मीठा खाना है यहाँ पे। Thank you.
क्या बात है। और आप सब ने देखा अभी कि अभी मंदिर में रैली निकाली जा रही थी होली के लिए, राधा कृष्ण का रथ था, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा नज़ारा था और हम लोगों ने उसको अटेंड किया। तो आइए मैं बात करती हूँ हमारी प्यारी सी आंटी। नमस्कार बेटा, की खबर? बहुत ढूंढने लगी से अरे की उपलक्ष टू की आजी टू वर्क टू उलवा टू आजी ये गोहाई खुराई से गोहाई बिया गोल टू होली माने गोहाई बिया गोहाई बिया गोहाई बिया राधा कृष्ण और राधा कृष्ण बिया आजी रे गोहाई खुराई गोहाई में जाने के बहुत कोइना आदोरी आ कोइना आदोरी आजी घनुसा आदोरी आने लक्ष्मी लक्ष्मी घर को मबो लक्ष्मी घनुसा तिरस्कार करबो इमान धनिया आपनर कथा दी इमान ভাল লাগিছে ইমান মিঠা কইছে আপনি তার নাম কি হয় মোর নাম প্রাঞ্জলি দাস প্রাঞ্জলি দাস বহুত ধুনিয়া আপনার ম্যাম মইটো এ মোর মা হয় আর এই মা আর বেটি হে দনো বহুত হি প্যারি বহুত ধুনিয়া আপনার লগর স্মাইল বহুত কিউট লাগিছে আপনার লগর ঘর ইয়াতে এটা মামার ঘর হয় এটা মামার ঘর হয় আমি তো আগতে মানে বহুত বছর ধরে দেখা নাছিল আর কি সাবলে ময়ো ইয়াতে গুয়াটির হয় কিন্তু বাইরে থাকো আজি পাটা সো আজি ইয়াতে আইছোন বহুত লোক ভাল লাগিছে আর মই আজি হে গম পালো যে লাস্ট ডে হয় আর কি বা কব ইমান ধুনিয়া লাগিছে কি বা কব রাধা কৃষ্ণর বিষয় আমি তেনে কি কৈছিল লক্ষ্মী আহিব ন লক্ষ্মী ঘৰত সোমাবতো লক্ষ্মী ঘৰত সোমাওঁতে লক্ষ্মীয়ে খুব গালি পাৰিব তাৰমানে গালি পৰাৰ পিছত উপায় কিবা নহয় কৃষ্ণই আনিছে সোমাব লাগিব তাৰপিছত বাঁহ বান্ধি মানে গেট বন্ধ কৰি থোৱা গেটটো ঘৰ ক'ব আৰু প্ৰহৰী গেট খুলি দিয়া তাৰপিছত গেট খোলে একদম গুচি যাব এনেকৈ কেনে কা মতলব হে কি হোলী মে ৰাধা কৃষ্ণ ৰাজ লীলা কৰতে হে और वो राधा जी को साथ अपने घर लेके आते हैं। तो ये राधा कृष्ण के साथ में ये लोग पालकी से स्वागत करते हैं मंदिर में होने ठीक है सुना है धनुषा लक्ष्मी घर धनुषा आने वो की कथा वाह बहुत दुनिया लगी से मैं अपना आईता को बोलो हाँ हमारे ये दादी को आईता बोला जाता है तो ये बहुत ही प्यारी हैं बहुत भाल लगी से थैंक यू सो मच नमस्कार। तो आपने देखा यहाँ पे ऐसे भी स्कल्चर और घरों घरों में रंगोली बनाया गया है और इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज एंडिंग करती हूँ और मेरी ये फैमिली पूरी मम्मी चाची मेरी छोटी बहन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हैप्पी होली हैप्पी होली गाइस। तो इसी के साथ मेरा वीडियो मैं आज का एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगा गाइस, आप सब भी घाटी आइए नॉर्थ घाटी जरूर आइए और डोल गोविंद मंदिर आना बिल्कुल ना भूलें। और आप सब मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ये ब्लॉग कैसा लगा। और आप सब मेरे चैनल पर आज नहीं जुड़े हैं नए नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे रंगोली बनाई गई है अपने अपने द्वार पे, आप सब देख सकते हैं। और एक लाइन से वाओ, और हमारा फ़ोटो यहाँ पे होता है कंप्लीट और मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ गाइस, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे चैनल को अनन्या सिंगर ऑफिशियल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय, मिलती हूँ आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।